शहर के सामाजिक कार्यकर्ता देवा जोशी सांपों को देते हैं जीवनदान। अभी तक विभिन्न प्रजातियों के 10,000 के आसपास सांपों को सुरक्षित जंगलों में छोड़ा है। पशु प्रेमी, सर्प मित्र और सामाजिक कार्य में हमेशा रहते हैं आगे। हिंगनघाट शहर के सर्प मित्र देवा जोशी, इन्होंने अब तक 10,000 के आसपास सांप पकड़ के उनको जीवन दान दिया। शहर में सामाजिक कार्य में इनका कार्य अग्रणीय रहता है। सांप को जीवन दान देने के साथ साथ अन्य पशु पक्षियों को भी ये जीवन दान देते हैं। शहर के सर्प मित्र इनको सांप के बारे में जानकारी लोग देते ही तत्काल वो पहुंच के तुरंत सांप को पकड़ लेते हैं। उनका यह उपक्रम दिन रात चलता है। तब देवा जोशी के इस उपक्रम को हिंगनघाट की जनता सहारना करते नहीं थकती। उसी प्रकार रक्तदान करने में भी देवा जोशी अग्रणीय है। सामाजिक जिम्मेदारी के रहते कुछ साल पहले वना नदी को बारिश के रहते बाढ़ आ गई थी। तब एक किसान अपने खेत में अटक गया था, तब पेड़ के ऊपर अपनी जान बचाने को चढ़ गया था। किसान के बारे में प्रशासन को रात में जानकारी मिली थी, तब देवा जोशी व अन्य सहकारियों ने उसकी जान अपनी जान पे खेल के उस किसान को बचाया था। इसी प्रकार पशु प्रेमी देवा जोशी सर्प मित्र की शहर में विभिन्न भूमिका साकार करते शहर में दिखते हैं। 25 सालों से मैं सांप पकड़ रहा हूँ और अभी तक के मैंने 10,000 से 15,000 सांप पकड़ के उनको उचित जगह पे जंगल में छोड़ के आया हूँ। मुझे इस सांप पकड़ने की प्रेरणा, हमारे यहाँ पे एक बुजुर्ग रहते थे, वो पहले सांप पकड़ते थे, उनके साथ में रह रहे के उनका सांप पकड़ना देख देख के मुझे भी इच्छा जागृत हुई। तो मैंने भी सोचा कि मैंने भी समाज सेवा के हिसाब से कुछ ना कुछ प्राणियों के लिए करना चाहिए। मैं सांपों के अलावा बहुत से प्राणियों की भी पकड़ के उनका इलाज करके मैं जंगल में छोड़ चुका हूँ। महाराष्ट्र में पाए जाने वाले, हमारे जिले में पाए जाने वाले मैंने लगभग सभी सांप आज तक के पकड़े हैं। हिंगनघाट से रवि नौरकर की रिपोर्ट, NBC News, नागपुर।